हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल गया। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अन्नप्राशन दिवस किस प्रकार से मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हर महीने 19 तारीख को अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है। तो अन्नप्राशन दिवस के दौरान जो बच्चे की माँ होती है उनको क्या क्या समझाया जाता है, तो आज मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें कि एक सेविका अन्नप्राशन दिवस मना रही है और अन्नप्राशन दिवस के दौरान जो बच्चे की माँ है उनको क्या क्या समझाया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए चलते हैं उस वीडियो की ओर। देखिए, आप लोग को हम केंद्र पर बुलाए हैं इसलिए कि आज 19 तारीख है, 19/8/2021। हर 19 तारीख को अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बच्चे के 6 माह 140 दिन पूर्व होने पर ऊपरी आहार शुरुआत करें। आहार बनाने एवं खिलाने से पहले अपना एवं बच्चे का हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो लें। ऊपरी आहार के साथ माँ का दूध कम से कम 2 बरस या आगे भी जारी रखें। ये नहीं कि मतलब हम 2 ही बरस तक ले पिलाएं, आगे भी आप पिला सकती हैं। नवजात शिशुओं का आहार, बच्चे को विभिन्न प्रकार आहार दें। आहार को ऊर्जा युक्त बनाने के लिए छोटे चम्मच से आधा चम्मच तेल घी मिलाएं। 6 माह 180 दिन बाद ऊपरी आहार शुरू करें। बिना पानी मिले दूध, रोटी, चावल, ब्रेड, बिस्कुट मसल कर, अंडा, मछली, कलेजी मसल कर खिला सकती हैं आप लोग। समझ में आई आप लोग को? खिचड़ी में घी, तेल और हरी सब्जियां डालकर उबले तले हुए आलू मसल कर खिला सकती हैं आप लोग। खाना खिलाने से पहले अपने या बच्चे के हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोएं। बोतल से दूध ना पिलाएं, क्योंकि आप लोग हाथ धोइएगा और बच्चे को नहीं धोइएगा तो खाना में बच्चा हाथ डाल देगा तो खाना गंदा हो जाएगा। 6 से 23 माह के बच्चे को उम्र अनुसार उपयुक्त नरम एवं मसला हुआ आहार दें। ऊपरी आहार के साथ साथ स्तनपान कम से कम 2 बरस तक जारी रखें। आप लोग याद रखिएगा, 6 से 8 माह तक कम से कम 2 कटोरी बच्चों को दिन भर में आप लोग खिलाएं। 9 माह से 11 माह तक 3 कटोरी दिन भर में आप लोग बच्चे को खिला सकती हैं। 12 से 23 माह तक कम से कम 4 कटोरी दिन भर में दाल में रोटी, चावल, खिचड़ी, सेरलेक, जो भी आपके घर में पका हुआ भोजन है आप लोग बच्चे को खिलाएं। खाना खिलाने से पहले अपने व बच्चों को हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। आप लोग बच्चे को साफ सफाई जितने रखिएगा और जितने अपना बच्चे को ध्यान रखिएगा उतनी सही है। और हर माह केंद्र पर आप लोग बच्चे का वजन कराइए, क्योंकि आपको पहचान होगा कि बच्चे का ग्रोथ आगे बढ़ रहा है या नहीं। घटेगा तो आपको चिंता होगा कि हमको बच्चों को खिलाना है, अगर बढ़ेगा तो आप लोग को खुशी मिलेगा मेरा बच्चा का ग्रोथ बढ़ रहा है। ठीक है, आप लोग अच्छा से जो हम बताएं आप लोग समझ के ये काम आप लोग को करना है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि अन्नप्राशन दिवस के दिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर किस प्रकार से अन्नप्राशन दिवस मनाया गया, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा
अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ ये वीडियो अन्य सेविकाओं के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।